नमस्कार। सबसे पहले मैं जन सरकार मंच तंग के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने अपने को पेश करने को। मैं असम की रहने वाली हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी मुझे अच्छा लगता है। हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ, उसमें बहुत सारे खामियाँ, बहुत सारे गलतियाँ आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे और उन गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे। मैं आकाशवाणी डिब्रूगढ़ केंद्र से रिटायर हुई हूँ कुछ महीने पहले, और आकाशवाणी डिब्रूगढ़ केंद्र में मैं अंतिम साल नौकरी के बिताए थे, तो उसी में मैंने कुछ रचनाएं की हैं और उन रचनाओं को मैंने रिटायरमेंट के जस्ट बाद ही पब्लिश किया है। दो पुस्तकें हैं, एक कविता की, उसका नाम है ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और दूसरी है ए बुके ऑफ फ्लावर्स। इन दोनों को मैंने लिखा है। मैं नहीं जानती, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, मैं लिख सकी या नहीं सकी इसके बारे में भी मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जन सरोकार मंच की फिर से, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों के सामने अपने को पेश करने की। तो जो कविता की किताब है उसका मैं दो एक कविताएं आप लोगों के सामने बोलने की कोशिश करती हूँ। जो पहला कविता है उसका नाम है बिगिनिंग। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। द फुल मून स्माइल एट नाइट, द सन ड्यूरिंग द डे, डिड यू सी हाउ ब्यूटीफुल द मून एंड द सन वेयर द डे वी स्टार्टेड टू लव। छोटी सी कविता है। मैंने प्रेम के बारे में बताई हूँ कि मैं अपने बिलाव को बोल रही हूँ, देखो इस दुनिया में हम लोग पहले भी थे और जब से प्रेम किया उस दिन से भी थे, पर देखो जिस दिन हम प्रेम में पड़े एक दूसरे के, उसी दिन से ये चांद, ये तारे, ये सूरज, सब कुछ, ये संसार कितना सुंदर हो गए थे। कभी के हृदय प्रेम से विभोर हो उठे और उसमें उसने इस तरह का कुछ लिखने की कोशिश की है। उसके बाद वाला कविता वो मैं लिखी हूँ, उसका नाम है द वेव्स। आई वंडर एट द वेव्स, साई वेव्स, बोल्ड वेव्स, फ्राउन्स ऑन द फेस ऑफ द वेव्स, लव ऑफ द वेव्स, यानिंग वेव्स, टॉकेटिव वेव्स, हिलेरियस वेव्स, टायर्ड वेव्स, स्पिरिटेड वेव्स, हरिंग वेव्स, लेजी वेव्स, होपफुल वेव्स, लुक, डांसिंग वेव्स हिट द गैलेंट सो देयर, सिंगिंग वेव्स मेस्मराइजेस हार्ट एज इफ मैड लवर्स, वेव्स ऑफ द ओशन आर। तो सागर के किनारे में बैठी हूँ, सुंदर सी माहौल है, सागर की लहरों को देख रही हूँ, एक के बाद अनंत वो लहरें हैं। तो मैं देखती हूँ और सोचती हूँ ये लहरें, जैसे इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग भाव उनके हृदय में होते हैं, उसी तरह इन लहरों के भीतर में भी अलग अलग भाव हो सकते हैं। कोई लहर है जो बहुत ही गुस्सेल है, बहुत प्यारे हैं, और कोई बातूनी तरह की है, और कोई वेव्स बहुत ही जोश वाला है। तो अलग अलग वेव्स सागर में है और मैं बैठी उन्हें तकतकी लगे देख रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि जो वेव्स है वो जाकर किनारे पर टकरा कर, जैसे मुझे उस टकराने की जो मुहूर्त थे, वो जो समय थे, उसको देखकर मुझे लगा जैसे
वो लोग सागर के लवर हो, प्रेम में विभोर हो सागर की, और सागर भी उसे एंजॉय कर रहे हैं। अलग अलग भाव से वो वेव्स सागर के तट पर लगकर फिर आ रहे हैं, जैसे प्रेम प्रेममय वो सागर था उस समय मेरे लिए। उसके बाद मैं आई हूँ दूसरी कविता पर, इसका नाम है ट्रेजेडी ऑफ ए फ्लावर। Although a flower adorned her hair and enhanced her beauty, people often ignored the pretty flower, only admired the lady. So, इस कविता में मैंने बोले हूँ कि एक औरत को डिस्क्राइब की हूँ। वो औरत बहुत ही सुंदर है, धनी है, बहुत ही प्रभावशाली औरत है। सब लोग उसे देखकर विभोर है, सुंदर भी है, कमसीन है, लेकिन उसके जूड़े में एक सुंदर सी फूल लगाया हुआ है। वो छोटी सी फूल है, वो फूल बहुत ही इनोसेंट है, वो जूड़े में लगी हुई है। औरत का सुंदरता उस फूल से एनहांस हुई है, बढ़ गई है। लेकिन कमाल की बात है कि लोग उस जूड़े के फूल पर नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ औरत की सुंदरता का व्याख्या करते हैं। तो इसमें एक व्यंग छिपी हुई है कि हम जो बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उससे मोहित हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कितने सारे जीवन में लोग होते हैं, सीज होते हैं, जिसे हम इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसमें मेरा एक दुख भी समाहित है। इसके बाद जो कविता है उसका नाम है रेन, बारिश। बारिश का क्या कहना, बारिश जब होते हैं कवि के हृदय में जैसे गुदगुदी हो जाती है, कवि विभोर हो जाता है बारिश को देखकर, वो खुश होते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ इस कविता की, छोटी छोटी कविताएं हैं, लिखने की कोशिश की हूँ, मैं कोई कवि हुई नहीं हूँ, सच में कहती हूँ। My heart wished for freedom, but the rain forced me home like a bird encased. I felt it within my heart. बारिश हो रही थी बाहर, बारिश हो रही थी, मुसलधार बारिश हो रही थी। लोग जा नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, लेकिन कवि का हृदय एक जगह में स्थिर कहाँ हो सकता है। उसका हृदय तो जैसे घूमते बैठे हैं हवा के साथ। तो मेरा मन भी विचलित हो उठा, मेरा मन उस समय अंदर, घर के अंदर, साय दीवारी के अंदर रहने को इच्छा नहीं था मेरे मन को। मेरे मन उड़ जाने को चाहता था, बारिश में भीगना चाहता था। तो उस भाव को मैंने व्यक्त किया है, जैसे एक सीढ़िया एक केज में बंद करके हम रखने से सीढ़िया खुश नहीं होते हैं, उसी तरह मैं उस वक्त खुश नहीं थी बारिश के कारण, क्योंकि बारिश जो कवि के हृदय की खुशी है, वो बारिश अब मुझे रोक रहे थे मेरे आनंद के सागर में जाने को। कैसा लग रहा है मेरी कविताओं को आप लोग को? मुझे मालूम नहीं ये कविता हुई या नहीं हुई, लेकिन मैं कोशिश की हूँ लिखने को और मेरे भाव इसमें समाया हुआ है। दूसरी कविता मैंने ली हूँ, इसका नाम है इंटेंशन। जो अपनी इंटेंशन होता है उसके ऊपर, द कलर ऑफ ब्लड एंड गुल मुहर में मैच या नॉट द सेम इन टेक्सचर एज इन द वॉल मैन डिफर Be they bad or good, either constructive or destructive in their intentions. तो मैं बोलती हूँ कि जो intention है, लोगों के जो मन की भाव है, वो अलग अलग होते हैं। कोई अच्छे होते हैं, कोई खराब होते हैं। गुलमोहर के फूल सुंदर सुंदर लाल लाल, वो जो कितने खूबसूरत है, तो उसका रंग और हमारे जो खून का रंग, ये दोनों एक जैसा है। लेकिन फिर भी उन दोनों का जो
कलर है उसमें सिमिलरिटी है, लेकिन जो लोग है इस संसार के डिफरेंट लोग है, तो उन लोगों का जो मन है, उनका भाव है, वो अलग अलग होते हैं। इसके बारे में मैंने इस कविता में पिन पॉइंट किया हूँ। तो उसके बाद जो मैं ली हूँ कविता, उसका नाम है हैप्पीनेस, खुशी। खुशी एक चीज है जिसके पीछे हम सब भागते हैं। खुशी हमें अपने जीवन में चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन खुश कैसे हो शायद इसके बारे में हम कम सोचते हैं। तो हैप्पीनेस के बारे में लिखी हूँ। Wake up, my heart. Rain waits on the clouds. Night has yet to drop down. Sadness gallop far. Blue hills back on me. I want to dance in my spirit and so high. तो मैं इस कविता में बोलती हूँ कि मेरे दिल तुम दुखी मत हो, इस संसार को देखो, इसमें कितना चीजें हैं जिसको लेकर तुम खुश हो सकते हो। तो मैंने बोला देखो इसमें पहाड़ है सुंदर जो ब्लू हिल्स है, और उसके बारे में, और अभी तो रात हुआ नहीं है, और जो क्लाउड्स है उसमें भी अभी क्लाउड्स से भी बारिश नहीं हुआ है, जिंदगी कितना खुशी से भरा हुआ है अभी भी, तो खुश हो, एंजॉय करो। इस बारे में मैंने इसमें लिखने की कोशिश की हूँ, जिससे अपने मन को ही बल दे रही हूँ, शक्ति दे रही हूँ मैं इस कविता से। उसके बाद जो दूसरी कविता है उसका नाम है स्टॉर्म। तो जो तूफान है उसके बारे में मैंने लिखी हूँ। प्लेन्स आर फियरलेस, हैप्पी इन रेन एंड सावर, लाइक ए ब्रेव मैन हिलेरियसली फेसेस लाइफ विथ हिज इनर पावर। तो जो पेड़ पौधा है उन लोगों के बारे में मैं बोलती हूँ कि पेड़ पौधे कितने भी सुंदर है, कितने भी डेलिकेट है, टेंडर है, फिर भी ये पेड़ पौधा अपने में शक्ति रखते हैं इस तूफान को सहने की। उसी तरह जो ब्रेव लोग होते हैं, जो कावर नहीं होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, वो भी जीवन के छोटे मोटे संघर्ष को पार करके जिंदगी को आगे ले चलती है। समय कम है तो इस बार मैं एक छोटा सा कहानी लेकर, जो कहानी की पुस्तक है उससे ली हूँ, और मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करती हूँ यह कहानी कैसा लगे। तो स्टोरी ऑफ ए नाइट, एक रात की कहानी है, छोटी सी कवि कहानी है क्योंकि समय कम है। इन द डेड ऑफ द नाइट प्रिया हर्ड द साउंड ऑफ ए मैन कफिंग समवेयर अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। दिस स्टार्टल हर एंड सी वॉरिडली ओंडर्ड हु कुड इट बी। तो इसमें मैं बोलती हूँ प्रिया नाम की एक लड़की रात को जा रही थी, तो रास्ते में उसे किसी व्यक्ति की खांसने की शब्द उसके कान में आने लगता है। दैट डे द रेस्टोरेंट वेयर शी वॉक्ड हैड ए पार्टी कॉजिंग हर टू बी लेट इन द रिटर्निंग होम। पीपल एंजॉयड द फूड एंड ड्रिंक्स व्हाइल म्यूजिक फिल द रूम एंड एवरीवन डांस्ड टू द ट्यून्स। द मैनेजर हैड टोल्ड प्रिया You can't leave your usual time today. The customers are still here, and if you leave, we will be short of staff. Unable to say no to her boss, Priya had to stay until the party ended. It was already midnight when she and the other staff finally left. As she was crossing the road near the BPS mall, she heard the noise again, and she noticed an elderly couple sitting on the bench, both of them looking distressed. The woman had injured her arms, which was bleeding, while the man had injuries on his head and face.
Determined to help, Priya approached them and asked, "What happened?" The lady explained, "We were driving in our car when another vehicle crashed into us. The driver and the car fled from the scene before we could even glance at the number plates." Feeling deep sympathy for the couple, Priya called her boss for assistance. "What happened, Priya?" her boss inquired as he answered the phone. She replied, "Sir, can you send a car? I am at the crossing near the Vivius Mall." Confused, her boss reminded her, "I asked if you wanted to be dropped home, but you refused. What happened?" Priya proceeded to relay the entire situation to her boss. In response, her boss' son immediately dropped to the location and picked up the couple, taking them to the hospital. Priya felt immense joy and satisfaction that she was able to help the couple in need. So, ये कहानी स्टोरी ऑफ ए नाइट में मैंने प्रिया जो हीरोइन है उसके बारे में बताया है. वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वहाँ पर वो वैसा रोजी रोटी कमाती है. तो उस दिन रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा पार्टी हुआ था. रात देर हो गई, थोड़ी देर रात में वो आ रही थी. बॉस ने उसे पूछा था, जो होटल के मालिक है, कि तुमको कार से ड्रॉप करेंगे क्या? लेकिन उसका घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो बोला, नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा सकूँगी. तो शहर में वो जा रही थी, तो उस रात के समय उसने कुछ खांसने की शब्द सुना भी. बीपीएस बीएफएस जो मॉल है उसके सामने से गुजरने के समय, तो उसने देखा कि एक ओल्ड कपल, एक वृद्ध औरत और आदमी उधर में बैठे थे. तो उनके कार एक्सीडेंट हुए थे, तो कुछ चोट लगा हुआ था आदमी के भी औरत की भी. तो उन्होंने, वो जो प्रिया है, उसने फ़ोन किया अपने मालिक को और बोले कि कार भेज दीजिए, ऐसा कहानी है. तो मालिक भी अच्छे थे, तो वो कार भेज दिए और जो वो वृद्ध लोग थे उन्हें हॉस्पिटल में ले गया और हेल्प किया. तो इस कहानी से मैं दिखाती हूँ कि इस संसार में आप भी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग रहेंगे. आप लोगों को मेरी यह अनुष्ठान कैसा लगा नहीं पता, समय भी कम है और मैंने अपने किताबों के बारे में बोला और कविता भी है बहुत सारे उस कविता के, लेकिन छोटा है, ये दोनों किताब मैंने लिखे हैं. आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा. आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार.